दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बरेली जंक्शन का नज़ारा मेरे पीठ के पीछे। और यहाँ पर अक्सर भीड़ लगी रहती थी, यात्रियों के आवाजाही रहती थी। जिस जगह पर हम खड़े होकर रिपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पर पैर रखने की शायद जगह नहीं रहती थी, इस कदर ऑटो खड़े होते थे। लेकिन अब जब से कोविड-19 का खौफ पैदा हुआ है तब से पूरा सन्नाटा पसरा हुआ बरेली जंक्शन पर। बीते दिनों कुछ यात्री गाड़ियां मजदूरों को श्रमिकों को लेकर आई जरूर थी, लेकिन उसके बाद फिर एकदम सन्नाटा हो गया है। आज भारत सरकार ने कुछ ट्रेनें चलाने का ऐलान जरूर किया है, लेकिन उसमें से कोई भी ट्रेन बरेली जंक्शन पर नहीं रुकेगी, ऐसा कहा जा रहा है। जो ट्रेन चलाई भी जा रही हैं बताते हैं उसमें एयर कंडीशन का टिकट होगा, यानी वो यात्री बैठ पाएंगे जिनके पास एसी का टिकट होगा। अब रही बात मजदूरों की, श्रमिकों की, जो एक एक महीने से लॉकडाउन में फंसे हैं, जिनको खाने के लिए रोटी नहीं है, वो इन एयर कंडीशन ट्रेन में बैठकर जो आज से चालू हुई हैं उनमें सफ़र कर पाएंगे या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं बरेली जंक्शन का नज़ारा, जहाँ पसरा हुआ है सन्नाटा, मेरे पीठ के चारों तरफ आप देख भी रहे होंगे। जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। जंक्शन है और यहाँ पर अब कभी कभार ही ट्रेनें आ पाती हैं। नगर निगम ने एक इज्जत घर यानी सचल शौचालय लगाया है, वही पीने के लिए पानी का बंदोबस्त भी किया है और कुछ गरीब मजदूर यहाँ पर हैं भी, लेकिन सन्नाटा पसरा हुआ है बरेली जंक्शन पर। देख रहे होंगे बंदोबस्त और लेकिन साथ ही सूनापन। यदा कदा मालगाड़ियाँ जरूर आ रही हैं, लेकिन सवारी गाड़ी कब आएगी अभी नहीं पता। आज भारत सरकार ने कुछ ट्रेनें चलाने का ऐलान जरूर किया है, लेकिन अखबारों में जो चर्चाएं हैं उसके मुताबिक जो नई ट्रेन आज से चल रही हैं उसमें कोई भी ट्रेन बरेली नहीं रुकेगी।